लोहरदगा जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को आदिवासी समाज ने पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ प्रकृति का त्यौहार सरहुल मनाया। मौके पर समाज के सभी सातों अखाड़ों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहरी क्षेत्र के वीर शिवाजी चौक से निकाली गई, जो गुदरी बाजार होते हुए महावीर चौक, मिशन चौक होते हुए मैना बगीचा में शोभा यात्रा का विसर्जन किया गया। इसमें शामिल समाज की युवतियां, महिलाएं, बच्चियां मांदर नगाड़े की धुन पर थिरकते चल रहे थे। अखाड़ों के मुखिया शोभा यात्रा को अनुशासित तरीके से नाचते गाते आगे बढ़ा रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व विधायक सुखदेव भगत शामिल हुए। मंच पर अतिथियों का स्वागत करने के बाद गालों पर अबीर लगाकर प्रकृति का प्रतीक सरहुल फूल से स्वागत किया गया, जिसके उपरांत समाज द्वारा अतिथियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। आज सरहुल का पर्व है। मुख्यतः यह पर्व आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति पूजा के रूप में हम मनाते हैं। हमारी मान्यता है कि आज के दिन धरती और सूर्य के बीच मेल होता है, शादी होती है, यूनियन होता है। सबसे खासियत ये है इस पर्व का, इसके पीछे कोई कहानी नहीं। दोनों धरती और सूर्य प्रकृति के द्योतक हैं। धरती में पशु पक्षी, इंसान, सभी धरती के वजह से और सूर्य के वजह से है। वैज्ञानिक इस पर्व का आधार वैज्ञानिक विज्ञान है। शांतिपूर्ण मनाया जाता है। कभी किसी ने नहीं देखा हो कि सरहुल के समय में कोई झंझट हुआ हो। सौजन्यपूर्वक इसको मनाया जाता है। सांप्रदायिक रूप से सब एक हो जाते हैं, किसी में भेदभाव नहीं होता है। कमलर हारमोनी होती है इसमें। और अपील करते हैं लोगों से, आज के दिन आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, इस महान पर्व में प्रकृति के पूजा में हम सभी शामिल। क्योंकि पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति हमारी माँ है, इसके माध्यम से प्रकृति के प्रति जो हम ऋणी हैं और इनको भी याद करते हैं, श्रद्धा भी अर्पित करते हैं और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति पर सरहुल पर्यावरण की रक्षा का भी है, माँ के प्रति श्रद्धा भी है और इसके साथ ही साथ नए साल, जिसे कहा जाए नए साल का आगाज भी है। इसके माध्यम से हम सभी जनजातीय समूह के लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी माँ की पूजा करने के बाद कोई भी नए काम जो होते हैं आज के दिन से, आज के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे प्रकृति का स्वरूप अलग अलग होता है, इसलिए सरहुल भी हर जगहों पे अलग अलग दिन मनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति मैं समझता हूँ कि श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा भक्ति भी है, क्योंकि जैसे प्रकृति का स्वरूप अलग है वैसे सरहुल भी हर जगहों पे अलग अलग लोग मनाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।